नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव 13 अप्रैल 2024 को बलवान होने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 13 अप्रैल 2024 की रात्रि में 9:04 पर सूर्य मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। यहां पर सूर्य 14 मई 2024 तक गोचर करने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सूर्यदेव देव गुरु बृहस्पति के साथ 15 दिन तक युति बनाएंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी भी बरतना होगा। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक प्रभावशाली ग्रह भी माना जाता है। कुंडली पर सभी ग्रह या कई ग्रह नकारात्मक अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्य की अवस्था यदि जन्म कुंडली पर मजबूत हो तो जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता मिलती है और मानसिक रूप से सकारात्मकता मिलती है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान का भी कारक माना जाता है, तो इन सभी चीजों पर सूर्य का तो विशेष प्रभाव जरूर होता है। सूर्य के बलवान होने पर सामाजिक मान सम्मान, परिवार जनों का भरपूर सहयोग जीवन में प्राप्त होता है। कर्म क्षेत्र के मामले में सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। खास तौर से सरकारी या राजनीतिक जीवन में बड़ी सफलता सूर्य के बलवान होने पर ही प्राप्त होती है। और व्यक्तित्व में लीडरशिप क्षमता और व्यक्तित्व में आकर्षण सूर्य के बली होने पर ही जीवन में प्राप्त होता है। वहीं कुंडली पर खराब सूर्य के प्रभाव की अवस्था जीवन में कई प्रकार की निराशा और समस्याओं को भी देती है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से करियर में उतार चढ़ाव, मान सम्मान की कमी, पिता के साथ संबंध खराब रहना, आंखों जनित बीमारी, पेट जनित समस्या, सूर्य के पीड़ित होने पर जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को स्थायित्व नहीं मिलता है तथा मानसिक रूप से आवेग काफी ज्यादा बढ़ा रहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं। 13 अप्रैल 2024 को आपके राशि के द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के द्वादश भाव से हानि, मोक्ष, विदेश, सैया सुख, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में विचार किया जाता है। इस एक महीने की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को सूर्य मिला जुला प्रभाव देने वाले हैं। करियर की दिशा में सफलता प्राप्त करने की राह में आपको कुछ नए अवसर इस समयावधि में जरूर प्राप्त होने वाला है। सूर्य और गुरु का द्वादश भाव पर संयोग इस अवधि के दौरान यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके राशि के छठवें भाव पर जाने वाली है। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी से जुड़ा हुआ यदि किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, जिसमें यदि आप विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य आपके सुख भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव पर जा रहे हैं। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता भी
रहने वाली है। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं और चतुर्थ भाव से परिवार का वातावरण भी देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ आपको बनेगी और आप अपने जीवन में परिवार को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष में भी रह सकते हैं। सूर्य आपके द्वादश भाव पर मौजूद रहेंगे, आपके जीवन में खर्चों की वृद्धि भी करवाने वाले हैं, यानी आपके जीवन में व्यर्थ के खर्च भी देखने के लिए मिल सकता है। और इस समयावधि में चूंकि उच्चस्थ अवस्था में सूर्य आपके द्वादश भाव पर प्रभावी है, तो वैवाहिक जीवन के लिए 15 दिन का समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे 30 अप्रैल के बाद गुरु के साथ सूर्य की युति समाप्त होती है, तो आपको वैवाहिक जीवन में भी संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने जीवन में निर्मित करने से बचें। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अगर धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, सूर्य को जलाभिषेक करना काफी बेहतर रहने वाला है। पिता के साथ अपने संबंध को इस समय अंतराल में यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं, तो यह स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।